हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम पहुंच चुके हैं सोनपुर मेला में और हमारे पीछे देख सकते हैं ये जो पंडाल है। अब ये पंडाल मतलब सोनपुर मेला अब धीरे धीरे मतलब ख़त्म हो रहा है। वैसे सरकारी मेला तो 7 तारीख को ही ख़त्म हो गया है। सरकारी चीज़ जो भी चीज़ था वो ख़त्म हो गया है, यहाँ पे मतलब बंद कर दिया गया है। जैसे आपको यहाँ पे पंडाल में कोई भी अब प्रोग्राम नहीं होता है। 7 तारीख तक यहाँ पे मतलब सब कुछ होता था और उसके बाद बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे जो भी सरकारी चीज़ है वो सब को बंद कर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या सरकारी चीज़ बंद हुआ है वो सब अभी हम आपको दिखाते हैं। वैसे यह मेला आपको 7 नवंबर से आपको चालू हुआ था और ये 7 तारीख को ये दिसंबर में ये बंद हो चुका है, मतलब सरकारी बंद हुआ है। लेकिन अभी प्राइवेट में जितना दुकान है, कपड़ा दुकान है, वैसे जितना चीज़ है प्राइवेट वो सब अभी चालू है। वैसे अभी भी मेला में आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं, मेला में अभी भी भीड़ चलती है। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे अभी भी आपको 1 महीने तक यहाँ पे दुकान अगर कोई भी चीज़ ख़रीदना हो तो यहाँ आ सकते हैं। अभी 1 महीने तक यहाँ पे चलेगा। तो चलिए अभी हम आपको क्या क्या सरकारी चीज़ें बंद हुई है यहाँ पे वो हम आपको दिखाते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इस पंडाल में जो प्रोग्राम होता था, कोई भी कलाकार आते थे तो इसमें आते थे, तो यहाँ पे अब इसे इस ग्रिल को लॉक कर दिया गया है और इसके अंदर का सारा सामान, यहाँ से कुर्सी जितना, स्टेज उस्टेज जितना इतना मस्त सजा हुआ था वो सब अभी ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे ऐसा अब मतलब सरकारी चीज़ें ऐसे हट रही है। तो अभी हम और दिखाते हैं, जैसे रेलग्राम हो गया, रेलग्राम में भी आपको इधर में देख सकते हैं तो इसमें भी आपको सब कुछ हट चुका है। तो अभी हम दिखाते हैं, आप देख सकते हैं, तो चलिए बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, अभी यहाँ पे देख सकते हो अभी मेला ख़त्म नहीं हुआ है और यहाँ पे अभी भी ये मेला में अभी 7 तारीख तो ऐसे जो यहाँ पे सरकारी मेला था वो ख़त्म हुआ है, लेकिन अभी प्राइवेट में जितना दुकान है अभी खुली हुई है और देख सकते हैं अभी भी मेला में अभी भीड़ ख़त्म नहीं हुआ है। और अभी हम चलते हैं रेलग्राम के अंदर आए हैं, तो रेलग्राम में अभी आप देख सकते हैं जो यहाँ पे सरकारी जो ऐसे खाने के लिए यहाँ पे जो होटल था वो यहाँ पे बंद हो चुका है। और जितना रेलग्राम में जो भी यहाँ पे दिखाया गया था, रेल के बारे में बताया गया था, जो भी चीज़ था वो भी यहाँ पे बंद कर दिया गया है। यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस जगह पे आपको ट्रेन के बारे में बताया गया था और हर तरह का ट्रेन रखा हुआ था, मतलब हर तरह का रेलगाड़ी, मतलब कौन से ज़माने का कौन सा इंजन था, हर चीज़ रखा गया था। तो यहाँ से सब कुछ हटा दिया गया है, आप देख सकते हैं इस जगह पे सारा काउंटर पर से हर जगह से हटा दिया गया। अभी हम और भी चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं, आप देख सकते हैं ये उधर में पूरा खाली हो चुका है, हर चीज़ खाली हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे जो सरकारी चीज़ था वो हट चुका है रेलग्राम में। तो चलिए अभी हम आगे चलते हैं और अभी हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट ग्राम में। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ दुकानें थी, बहुत सारा दुकान था, जो हर तरह का दुकान था, जो अपने यहाँ मेला में आप आए होंगे तो देखे होंगे। तो आर्ट एंड क्राफ्ट ग्राम में अभी हम चलते हैं और देखते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट ग्राम में क्या है, तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए अभी हम दिखाते हैं यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट ग्राम में, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ अब यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और मतलब यहाँ पे साइड किया जा रहा है, क्योंकि ये सब सरकारी था। तो आप देख सकते हैं, और ये इधर में जितना टेबल उबल जितना था वो सब यहाँ पे समेटा जा रहा है यहाँ से। और उधर में आप देख सकते हैं जो सेल्फी पॉइंट था, जहाँ पे फ़ोटो खींचा जाता था, अभी हम आपको दिखाते हैं, वो भी सब अभी यहाँ पे बंद हो गया है। अगर आप आइएगा मेला तो ऐसे आपको प्राइवेट में जो भी चीज़ है, जो कपड़ा दुकान में आपको सामान वामान ख़रीदना है तो वो सब ख़रीद सकते हैं, क्योंकि वैसे अभी मेला ख़त्म होने वाला है तो अभी सब कुछ सस्ता मिल जाएगा, आपको आ सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। और देख सकते हैं यही था सेल्फी पॉइंट, जो यहाँ पे फ़ोटो आदमी खींचता था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हर चीज़ को अब यहाँ से हटाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कुछ यहाँ का ऐसा कुछ नज़ारा है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट ग्राम से अब चलते हैं, अब देखते हैं फिर आगे अभी हम कौन सा थिएटर वेटर में सब में लेकर के चलेंगे, क्या है वहाँ का नज़ारा। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं सोनपुर मेला में। कृषि प्रदर्शनी जो लगा हुआ था, जिसमें आपको कौन सा पौधा या कौन सा कैसे बीज या कोई भी ट्रैक्टर के बारे में या खेती करने का हर चीज़ जो दिखाया जाता था, उस जगह पे पहुंच गए हैं और ये है कृषि प्रदर्शनी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ पौधा रोपा गया था, तो ये सब देख सकते हैं सब खाली हो चुका है, यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं, चारों तरफ अब खाली नज़र आ रहा होगा आपको।
आप देख सकते हैं। तो ऐसा अभी सब खाली हो गया, जो भी सरकारी चीज़ें हैं अभी हम आपको दिखाते हैं, ये सब खाली हो चुका है। और बने रहिए वीडियो में, तो चलिए देखते हैं। और इधर में कुछ उस टाइम तोरी वगैरह रोपा गया था, तो वो सब तो अभी लगा हुआ है, तो वो सब अभी बड़ा हो चुका है। तो और जितना भी आपको बताया जाता था जो कि ये पौधा ऐसे लगाइए या कुछ भी, वो सब यहाँ पे बंद हो चुका है। और देख सकते हैं यहाँ कृषि प्रदर्शनी इस तरीके से चारों तरफ बंद हो चुका है और यहाँ पे पूरा सुनसान हो गया यहाँ पे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। और उधर में गन्ना का खेती किया गया था, तो वहाँ से सारा कुछ काट दिया गया है, तो अभी हम दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है आपको गन्ना का खेती यहाँ पे किया गया था, तो ये देख सकते हैं बहुत बड़ा बड़ा गन्ना था यहाँ पे, तो ये सब काट दिया गया है, तो ये सब यहाँ पे कुछ नहीं है, अब सब समाप्त हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। अभी तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो हमारे पीछे पूरा अभी भी मेला पूरा, कपड़ा के लिए अगर आना चाहते हैं तो यहाँ कपड़ा ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने अभी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे कपड़ा लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर अभी मेला ख़त्म होने जा रहा है तो यहाँ पे अभी आपको बहुत चीज़ें सस्ता में मिल जाएगा, तो आ करके यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम आपको कुछ दिखाते हैं। आपको न्यू इंडिया थिएटर का आपको वीडियो दिए थे, तो अभी वो कैसा है, उसका कैसा स्थिति है, तो चलिए बने रहिए वीडियो में। अभी हम आपको देख सकते हैं ये है हमारे पीछे न्यू इंडिया थिएटर। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो काउंटर था वो काउंटर आप देख सकते हैं यहाँ पे बंद हो चुका है, जो पैसा का काउंटर था। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ का लाइट वाइट जितना जो लाइट था वो सब खोल दिया गया है। और इधर में आप देख सकते हैं इधर में बांस उस इसका जो आगे से जो बांधा हुआ था यहाँ पे, जो गेट बनाया गया था देख सकते हैं उधर में जो बगल में बनाया गया है, उसी तरह से यहाँ पे जो बनाया गया था वो भी खोल दिया गया है। और यहाँ पे सब थिएटर खोला जा रहा है, अब यहाँ से थिएटर अब जा रही है, तो यहाँ पे अब कुछ नहीं है। तो चलिए अभी थोड़ा अंदर चलते हैं, आपको कुछ ऐसा यहाँ इंडिया थिएटर का नज़ारा है और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आपको ऐसे कुछ है यहाँ का नज़ारा। और यहाँ पे सब खाली हो चुका है और आप देख सकते हैं इधर में इंडिया थिएटर में आपको सब कुछ खाली कर दिया गया है। और यहाँ से कुर्सी उर्सी यहाँ पे ऊपर में जो बैठने वाला सीट था वो सब खाली हो गया, यहाँ पे अब कोई नहीं है। और यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं और इधर में जितना कुर्सी था वो सब साइड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सारा थिएटर का कुछ ऐसा ही हाल है, अब कोई थिएटर अब सब थिएटर। अगर आप थिएटर देखने के लिए अगर यहाँ आ रहे हैं तो थिएटर देखने के लिए अब नहीं आइएगा, क्योंकि आपको आइएगा तो आपका टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि थिएटर सारा थिएटर यहाँ पे बंद हो चुका है। तो वैसे अगर आप कपड़ा ख़रीदने के लिए आते हैं या कोई भी चीज़ खरीदारी करने के लिए आते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे आइएगा तो आपको वैसे मेला ख़त्म होने जा रहा है, तो आपको कोई भी चीज़ें सस्ता में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे अभी भी मेला में आपको ख़रीदारी करने के लिए इधर में कपड़ा का पूरा मार्केट लगता है, तो इधर में आपको सारा चीज़ अभी ऐसे सस्ता में मिल जाएगा, तो आइए यहाँ पर ख़रीद के ले जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत अभी भी भीड़ चल रहा है यहाँ पर मेला में। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर झूला पे और झूला के पास, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे मौत के कुआं है और वो मौत का कुआं भी अब बंद हो चुका है। आप देख सकते हैं पीछे से ऊपर में जो ऊपर में इसका लगा हुआ था छतरी वो सब खोल दिया गया है और मौत का कुआं भी खुल रहा है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं वो बड़ा वाला झूला है वो भी बंद हो चुका है। और यहाँ पे जितना भी वैसे सरकारी चीज़ें थी वो सब बंद कर दिया गया है। और हमारे पीछे ये भी देख सकते हैं सब, तो आप देख सकते हो ये सारा झूला अब यहाँ पर बंद कर चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं सब झूला यहाँ पर बंद हो गया है। और ये छोटा मोटा बच्चा के लिए वो है वो सब अभी थोड़ा बहुत चालू है, लेकिन ये सब भी बंद कर दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं जितना भी बड़ा झूला था वो सब बंद कर दिया गया है, यहाँ पे मौत के कुआं बड़ा वाला झूला सब बंद हो गया है। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं क्या झूला बंद हो रहा है। तो वैसे अगर आप यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर बहुत अभी भी भीड़ चल रहा है, तो सरकारी मेला बस बंद हुआ है, तो अभी देख सकते हैं। और कुछ यहाँ पे सारा झूला बंद हो गया है, तो ऐसा कुछ है यहाँ मेला का नज़ारा आप देख सकते हैं। कुछ अभी भी यहाँ पे भीड़ चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, मेला में अभी भीड़ है। तो बने रहिए वीडियो में, अभी देखते हैं। और अभी हम चिड़िया बाज़ार की ओर भी चलेंगे, तो वहाँ पे क्या है उधर का क्या नज़ारा है, तो अभी हम वो भी दिखाएंगे, तो बने रहिए वीडियो में। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे चिड़िया बाज़ार में, और चिड़िया तो अब नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पे अभी जो डॉग मार्केट लगा हुआ है उस डॉग मार्केट में चलते हैं। डॉग मार्केट में यहाँ पे अभी भी डॉग है कि नहीं, तो अभी हम आपको दिखाते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। तो अभी हम इसके अंदर चलते हैं, तो अभी हम आपको दिखाते हैं जो पहले बहुत सारे डॉग रहते थे इधर में, सारा जगह पे खाली हो चुका है। इधर में कुछ चिड़ियाँ भी रहती थी, तो वो सब जगह खाली हो चुका है, आप देख सकते हैं इधर में सारा जगह खाली हो चुका है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और थोड़ा बहुत है, ऐसा बात नहीं है, है थोड़ा बहुत, आप देख सकते हैं इधर में कुछ डॉग है यहाँ पर, आपको कुछ मिल जाएगा यहाँ पर आइए, और यहाँ पर कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पर है थोड़ा बहुत, तो देख सकते हैं। तो
अभी हम डॉग मार्केट से निकल चुके हैं और यहाँ पे कुछ ऐसा इस मेला का अभी नज़ारा है। तो अभी सरकारी चीज़ें जो भी चीज़ थी वो बंद हो चुकी है। तो चलिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लेकर के, आपको फिर से मिलते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो चलिए चल।